जानवी जी, मैं मुरली प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डरने का नहीं रे, सिंपल एकदम। एक भाभी जी है ना, रेडियो पे ना बापू के बारे में सवाल पूछेंगे, तुम लोगों को जवाब देने का है कि नहीं? जितना करेक्ट जवाब देगा उतना प्राइज उठाएगा। देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। ये प्रोफेसर, तू कॉलेज जाएगा ना तो ये तेरे घर पे जाएगा तेरी वाइफ को हेलो बोलने के लिए। हम जो चाहे ले सकते हैं, जवाब दे दे अच्छे से, फिर जो चाहे वो ले लो। ये मिक्सर ले लो, तवा ले लो, गैस ले लो। जानवी जी, आपकी आवाज अपुन को येड़ा बना देती है। भाई येड़ा नहीं बोलेगा भाई, ये तो खाली पीले अपने को टपोरी समझेंगे वो। ये प्रोफेसर लोग जो बोलेंगे ना बिल्कुल वो ही बोलने का। नंबर लगा चल, 22666888 और रीडायल पे रखने का। जैसे भाभी ने सवाल पूछा ना वैसे ही बटन दबा देने का, किसी और का फोन लगना इसलिए मांगता है। ये तेरी तो तू क्या कर रहा है इधर? शादी अभी तक की नहीं, सच बात तो ये है जानवी जी कि कोई जमी नहीं। भाई आ जाओ, ये आलम वॉल्यूम बढ़ा दे। हर कॉलर से मैं तब तक सवाल पूछूंगी जब तक कि वो कोई गलत जवाब ना दे, और हाँ जिसने भी 10 सही जवाब दिए वो होगा हमारा विनर। सब अपने अपने फोन के पास तैयार रहे, नंबर है 22666888। मेरा पहला सवाल, गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनके दोस्त किस नाम से बुलाते थे? लग गया भाई। सवाल खत्म होने से पहले ही पहला कॉल। हेलो हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो हेलो, तेरी तो हेलो, ये वाला लगा था भाई, वो दिखा रहा क्या? फोन दे। हेलो हेलो, हु इज दिस? अपन मुरली प्रसाद शर्मा। सो मुरली, व्हाट्स द राइट आंसर? भाई हां बोल। भाई भाई, अरे बोलना भाई भाई। अबे तेरी तो दूर के रखे। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके दोस्त भाई कहकर संबोधित करते थे। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है मुरली। Are you sure? सोच के बोलिएगा। बिल्कुल नहीं तो ये भाई लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। 100% श्योर। हेलो हेलो, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भाई के नाम से संबोधित किया जाता था। Well, that's a right answer. Congratulations. अब मैं आपसे तब तक सवाल पूछूंगी जब तक कि आप कोई गलत जवाब ना दे। उसका कोई चांस नहीं है जानवी जी। दूसरा सवाल, गांधी जी के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। अरे वो बड़े बेटे का नाम था हरिलाल। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कुकर मंगता था हरिलाल, कुकर मंगता था ना मणिलाल। रामदास, रामदास, देवदास और देवदास। Wow, that's absolutely right. thank you. अब तीसरा सवाल, गांधी जी के पास ऐसे कौन से हथियार थे जो हिटलर के पास नहीं थे? स्त्री। Are you sure? अरे सत्य और अहिंसा। ए स्त्री देना। सत्य और अहिंसा। Well done, मुरली। गांधी जी ने जब शादी की तो उनकी उम्र क्या थी? 13 साल। 13 साल, 13 years। ए संभाल ना, कस्तूरबा भी 13 साल की ही थी। भाई और भाभी दोनों 13 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी। लाइफ का ट्रेजेडी देख यार, अपना भाई साला अभी तक कुंवारा है। अरे किशोर कैसा है? मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जरा नाराज है, बोल रहे हैं कि भाई की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। तुम भी कर लो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। चुप, ठीक नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये नोटबुक बोल, तेरा नाम क्या रे? प्रोफेसर वेंकटेश वट्टीकुट्टी। देख रहे वट्टीकुट्टी, लाइफ में ना एक दूसरे का हेल्प करना मांगता है क्या? अभी तेरे पास बापू का फुल टू इन्फॉर्मेशन है, अपने पास नहीं है। इसके तो चाहिए ना मेरे को, है कि नहीं? अभी तेरे को कभी शकील लेड़ा, दगड़ू दादा, अफजल टोंडा, इन लोगों का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने आगे पूछना, अपन ना नहीं बोलेगा कसम से। अरे ज्ञान बांटना चाहिए रे, तू क्या अपने पास रखे सड़ा रहा है? ये गलत है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कपड़ा गीला होगा ना जरा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। मैं बोलता हूं इसको, भाई जीत गया। और इस साल हमारे पहले ही कॉलर मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा ने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है। क्या बोलने का जानवी जी, अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है। तो मुरली कल आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, मैं आपसे मिलने को बहुत ही उत्सुक हूँ। बोले तो अपन भी। गुड बाय मिस्टर शर्मा। गुड बाय जानवी।